अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं हूँ सुमेश तबश्नोई और आप देख रही हैं ट्रिपल एस न्यूज। बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर रविंद्र रंगमंच में अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासभा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जिला अध्यक्ष भंवरलाल जागीर ने बताया कि इस अखिल भारतीय जागीर ब्राह्मण महासम्मेलन में देश के विभिन्न प्रांतों से समाज के लोग पधारे और जिले प्रदेश सभा की नवी त्रैमासिक मीटिंग हो रही है और साथ में जिला सभा का शपथ ग्रहण भी है और समाज को एक जाजम पर बैठाने का हमारा मेन मोटिवेट है, जिसमें जांगीर सुतार समाज में जो भी छोटे छोटे जात के जितने भी हम सब लोग हैं, सब लोग एक जाजम पर बैठ के समाज का कैसे उत्थान कर लें उसके बारे में, समाज के बारे में विशेष चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से समाज को कैसे फायदा मिले उसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें समाज में हमारे राज्यसभा सांसद हरियाणा से रामचंद्र जी जांगड़ा साहब पधारे हैं, समाज के सबसे बड़े भंवरसा भंवर जी कुंदरिया साहब पधारे हुए हैं, उसके अलावा जगदीश जी विश्वकर्मा जी जो गुजरात सरकार में मंत्री, उनका भी आना था लेकिन कल से उनकी विधानसभा से वो नहीं आ पाई है। बाकी ये समाज के जो बड़े बड़े समाज के हमारे जितने भी नेता हैं सब लोग पधारे हैं और सब लोगों का एक ही मकसद है कि समाज को सर्वांगीण विकास के लिए आगे कैसे ले, समाज के कुरीतियों को हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में ये सब ये करके ये मीटिंग रखी थी।